वो जैसे कोई कर्बला का मंजर नहीं था, उसके बाबा नहीं आप नहीं जाए, पुलिस पकड़ लेगी आपको, पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले। ये जो भी वो अपना सिस्टम लाते हैं, वो शाम के किसी ना किसी पहर वो कलेप्स कर जाता है, और वहाँ से फिर वो इंजीनियरिंग का, इलेक्शन इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं और उसमें मिनिमल लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का इजहार किया जाता है, तो हम कम से कम तीन हुकूमतें जो है वो बनाने की पोजीशन में होंगे, सेंटर की हुकूमत, केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजल व करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें, और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान की अपील पर लोग बड़ी तादाद में अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली रियासत की इंतखाबी अमल के अंदर जो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी मुदाखलत है, उसका सिलसिला आज भी हमें देखने में आया। इतलात की और मालूमात तक रसाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वोटर्स जिनका इन्हिसार 8300 के मैसेज पर था, जहां से वो अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में मालूमात हासिल करते थे, इसी तरह इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को जैम करके, उसको बंद करके, गैर कानूनी तौर पर उसको ख़त्म कर दिया गया। हमने सारा दिन देखा कि कहीं पे पोलिंग के ताखीर से शुरू होने की शिकायत मौसूल होती रहीं, कहीं पे पोलिंग का साजो सामान उसकी ताखीर से पहुंचने की बातें की इतलात मिलती रहीं, कहीं से पोलिंग को वक्त पर उसको शुरू नहीं किया जा सका। तो कमोबेश तमाम पोलिंग स्टेशन पे लोग सैकड़ों की तादाद में बाहर मौजूद थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग के वक्त में तौसीन नहीं की। इब्तदाई नतायज जो आ रहे हैं वो भी, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में और बड़ी अक्सरियत हासिल कर रहे हैं, मगर नतायज की जो रफ्तार है, उनकी रिपोर्टिंग का जो मेकनिज़म है, उसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान है। ये वो माहौल है जिसमें अभी हम जो है वो नतायज के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होपफुल, बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। टर्नआउट पहले ही सारे दिन के और पूरी डिटेल्स और नतायज की नौयत जो है वो उसको ये टर्नआउट बयान करता है, मगर अब इनको किस तरह से नतायज का ऐलान किया जाता है, ये सारा डेटा जो है वो इसका एनालिसिस किया जाएगा, और फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये बता सके कि किस तरह से, किस नौयत की धांधली या किस तरह से आवाम का जो मैंडेट है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। आज ही हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA-47 में मौजूद थे, जहाँ पे जाहिर है इस्लामाबाद का एक ऐसा इलाका जहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के ऊपर भी, सियासत पे भी नज़र रखते हैं। तो हमारे ख्याल से कोई एक ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसमें हमें लगा हो कि कोई बदअमनी की फ़िज़ा होगी या लोग जो है वो घबरा रहे थे अपने बाहर निकलने से। ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ .com era एंड वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट सर्विसेज एज वेल, बिकॉज आपकी जो भी इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो ऐसा ही है पूरी दुनिया में। जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, सो वी आर बीन रिलाइंग ऑन
इंटरनेट स्पेशली पाकिस्तान में भी ऐसा ही है. ये बहुत अहम दिन था और हम उम्मीद कर रहे थे कि कनेक्टिविटी होगी ऑल ओवर पाकिस्तानी सिटीजन्स की एक दूसरे के साथ. वैसे तो जैसे हम जानते हैं कि आज जो थे ये सोशल मीडिया मीडियम्स जो थे दे वर वेरी मच लिमिटेड फॉर द सिटीजन्स एक्चुअली. सो एवरीबडी वॉज रिलाइंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सो डेफिनेटली जितने भी चैनल्स आपके यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग जो थे उनके ऊपर जो भी इतला दे रहे थे लोग उसी इंफॉर्मेशन को जो था उसी के ऊपर रिलाई कर रहे थे. और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से जाहिर है लोगों के अंदर एक हमेशा से क्यूरोसिटी रहती है कि दूसरे इलाकों में किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जा रहा है. पाकिस्तान की एक और जमात है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है. 9 मई के बाद से कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि नहीं देखने में आया वो उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन इलेक्शन कैंपेन. और उसके अलावा हमने देखा कि जो था उस तरह से गहमा गहमी नहीं थी. किसी भी जो सिटीज़न है और स्पेशली एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपको जो है वो इस प्रोसेस के ऊपर भरोसा करना चाहिए. मैं ये समझती हूँ कि जब एक जो भी सिटीज़न है वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करता है तो इसका मतलब है कि वो इस में अपना हिस्सा डालता है पाकिस्तान की जमहूरियत में. अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन प्रोसेस में बाकायदा जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं. हमारी पार्टी की हमारी जमात की अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कंपेन चली है. तो हल्के में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी चूँकि NA-47 से वो कैंडिडेट हैं. हमारी पार्टी के दीगर अहदेदारान कारकुनान वर्कर्स जो हैं उन्होंने एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपेन जो है वो अपने हलके में की. शहरी इलाके में भी डोर टू डोर हमारे कारकुन हमारे वर्कर्स उन्होंने कंपेन चलाई, बहुत बेहतरीन कंपेन चलाई. इसी तरह से दही इलाके में भी हमारी बहुत अच्छी कंपेन चली जिसमें हमने कॉर्नर मीटिंग्स भी की, बड़े बड़े हमने इत्तमाद किए, जलसे किए. हम जहाँ पर इलेक्शन ऑफिस में मौजूद होते हैं डिले होता रहता है चूँकि आपके पास रिज़ल्ट आने होते हैं. तो इसी तरह से मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में देर हो गई होगी लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा कोई आवाम जो है वो नहीं. मेरे ख्याल में तो बड़ी पुरमन एक ये प्रोसेस हुआ है. तमाम पार्टियों को बिल्कुल आज़ादाना जो है इसमें मौका दिया गया है और किसी किस्म का कोई वाकया इस्लामाबाद में मैंने नहीं देखा या सुना या हमारे नोटिस में नहीं आया कि कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या जो कोई इलेक्शन कमीशन का कोई स्टाफ है उनकी तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो. बड़ा एक फ्री एंड फेयर जो है वो प्रोसेस था. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल.